अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं उठ चुका हूँ। सुबह के बज रहे हैं 6:15। अलार्म ने मुझे उठाया था 5:55 पर। पहले पढ़ने जाते हैं नमाज, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। दरवाज़ा करेंगे बंद। चलो जी, हम पढ़ने जा रहे हैं अब नमाज। सुबह सुबह का टाइम है। एक दो नमाजी मुझसे पहले मस्जिद की तरफ रवाना हो चुके हैं। आई थिंक मैं थोड़ा सा लेट हूँ, तो जल्दी जल्दी यहाँ से क्रॉस करते हैं ताकि जमात मिस ना हो जाए। तो मेरे प्यारे प्यारे मुसलमान बहनों और भाइयों, ये हमारे मोहल्ले की सबसे करीबी मस्जिद। अंदर जाने की दुआ पढ़ लीजिए, मैंने भी पढ़ ली। अब वज़ू खाना सामने है, बिल्कुल वज़ू करेंगे, उसके बाद नमाज अदा करेंगे। मेरे ख्याल में जमात हो चुकी है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं लेट आया हूँ। चलें, फिर भी नमाज का टाइम अभी भी बाकी है। वज़ू करते हैं और फिर इंशाल्लाह नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद बाकी काम शुरू करेंगे। जायज़ है उस आयत मुबारक के तहत जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, फाई नमा तुबल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, ऐ महबूब तुम जिस तरह भी मुंह करोगे अपने रब को ही तो प्यारे मुसलमान बहनों और भाइयों, नमाज पढ़ने और ज़िक्र अज़कार करने के बाद मैं आ चुका हूँ बाहर। सुबह का मंज़र देख सकते हैं बिल्कुल। तो बहनों और भाइयों, मैंने अपनी जूती पहन ली, अब मस्जिद से निकलने लगा हूँ बाहर घर की तरफ। घर की तरफ जाएंगे और मॉर्निंग वॉक के लिए रेडी हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो मैं हो चुका हूँ वॉक के लिए रेडी महकती सुबह के साथ। मेरा आपको सबको सलाम। तो कासिम मेरे पास आ चुका है, हम निकलने लगे हैं वॉक के लिए, भी रेडी है। कासिम का टोपी शोपी पहन लो यार। हाय एवरीबॉडी, हाय हेलो। आप सबको हेलो कर रहा है कासिम। तो बस अब चलने लगे हम वॉक के लिए, तो वहीं चलकर आपको दिखाएंगे कि हम वॉक कैसे करते हैं सुबह की। हमारे साथ रहिएगा, ऐसे ही बहुत मज़ा आने वाला है आज के मॉर्निंग व्लॉग में। तो गाइस, वो रहा सामने कासिम का घर। जिस गली से निकले हैं उस गली में मेरा घर था। तो लेट्स गो, चलते हैं। गलियों से निकलकर रोड पर पहुंचेंगे, उसके बाद आपको बताते हैं किस ट्रैक से जाएंगे। तो गाइस, हम गलियों से निकलकर पहुंच चुके हैं रोड पर। ये जो आप ट्रैक देख रहे हैं ये जाता है सीधा पार्क पर। तो अभी हम निकलने लगे हैं वॉक के लिए। कासिम, कुछ कहना चाहेंगे आप? हाय हमजा। हेलो गाइस, ये देखिए सुबह का व्यू है, बहुत प्यारा व्यू है। अब हम तकरीबन पार्क के करीब पहुंचने वाले हैं। हमारे साथ रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है, ऐसे एंजॉय करेंगे। कासिम मेरी वीडियो बनाएगा और फिर मैं कासिम की एक्सरसाइज दिखाऊंगा कैसे करता कासिम, मैं अपनी एक्सरसाइज दिखाऊंगा। उसके बाद ये व्यू है हमारे मॉर्निंग का, ये गद वाली सारे शहर का गन यहाँ फेंक दिया हुआ हम, ताकि शहर में गंदगी ना हो। अच्छी बात है। जो कि सो गाइस, सामने देखें कितना प्यारा नज़ारा है, और इधर उधर की बात करें तो ये है गर्ल्स का हाई स्कूल, और मेरे राइट हैंड पे है ये वासा का कोई दफ्तर है, या जैसे वाटर प्लांट कह लो वो है। और ये है हमारा स्पोर्ट्स ग्राउंड, जो कि पहले क्रिकेट ग्राउंड हुआ करता था, इन्होंने रिन्यू करके इसे बना दिया फुटबॉल ग्राउंड। आगे चलकर मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो ये पार्क का जो शुरुआती किनारा है, कॉर्नर है, वो शुरू हो चुका है। आगे चलते जाएं और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो गाइस, सामने रहा पार्क, अभी जाकर हम वहाँ पर वॉक करेंगे, आपको दिखाएंगे कि कैसे वॉक करते हैं। पहले भी बहुत सारे लोग वॉक कर रहे हैं। ये जो मैंने अभी फ़ुटबॉल ग्राउंड दिखाया था, उसका ड्रेसिंग रूम है। आगे चलकर और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं और वॉक भी करते हैं कि कैसे मॉर्निंग वॉक की जाती है और आप कैसे करते हैं, और हमारा भी तरीका दिखेगा। ये कासिम और मैं साथ साथ चल रहे हैं, तो आगे चल के हम आपको एंट्रेंस दिखाते हैं कि गेट में कहाँ से एंटर होते हैं। परवेज इलाही पार्क जो है वो हमारे घर के सबसे करीब है, और बहुत अच्छा पार्क है, साफ़ सुथरा,
और अभी ये जो लेफ़्ट हैंड पे आप देख रहे हैं ये पावर प्लांट है, बिजली घर है, यहाँ पर बिजली बनती है। तो चलें आए दिखाते हैं आपको, चलें पार्क में एंट्री करते हैं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं पार्क के गेट पर, अब हम करने वाले हैं एंट्री। ये हमारा पार्क है और ये इर्द गिर्द का व्यू है। जो घर के सबसे करीब पार्क है वो यही है, क्योंकि घर से पैदल आते हुए सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। कासिम मेरे साथ है, तो आगे आपको दिखाएंगे वहाँ के पार्क का माहौल, ब्यूटीफुल। सो पार्क का माहौल बहुत ब्यूटीफुल है। कासिम का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज है, तो आपने कासिम को भी इंजॉय करना है। अगर कोई ओवर एक्टिंग या कोई नुक्स निकलने के लिए आए तो आप उसने इग्नोर करना है, ठीक है। ये पार्क का व्यू है, ये ट्रैक है, हम इस ट्रैक पे दौड़ेंगे। मैं लगाऊंगा पहले 5 चक्कर और देखते हैं कासिम कितने लगाता है। मैं दो चक्कर चल के लगाऊंगा और 3 चक्कर लगाऊंगा भाग कर काफ़ी तेज़, तो ताकि स्टैमिना बने। बहुत मज़ा आने वाला है, ऐसे ही साथ चलते रहे। तो गाइस कासिम और मैं साथ में वॉक शुरू करने लगे हैं, तो पहला चक्कर जो है वो हम चल के लगाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, हम ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। ये ट्रैक है गाइस जिसमें हम डेली वॉक करते हैं। मैं तो काफ़ी अर्से बाद, कासिम कुछ दिन पहले से आया हुआ था, 2-3 दिन पहले से आ रहा है, यानी कि 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया कासिम आ रहा है। ये पार्क का टोटली व्यू है, काफ़ी बड़ा पार्क है और बहुत अच्छा है माशाल्लाह। साफ़ सफाई का भी ख़ास ख्याल रखा जाता है यहाँ पे। हाँ अभी हम पैदल चल रहे हैं गाइस, पहला चक्कर है, क्योंकि थोड़ा बॉडी को गर्म करने के लिए पहले पैदल ही चलना पड़ेगा, उसके बाद दूसरा चक्कर जो होगा वो हमारा भाग के होगा। वालेकुम अस्सलाम। सो गाइस यहाँ से स्टार्ट किया था पहला राउंड कासिम का और मेरा कंप्लीट हो चुका है चलकर। अब मैं आपको दिखाऊंगा दौड़ कर के कैसे दौड़ते हैं इस ट्रैक पर, तो बहुत मज़ा आने वाला है। ऐसे ही साथ रहिए, सपोर्ट करते रहिए। अब आपको दिखाने लगा मैं कैसे यहाँ पे दौड़ते हैं। गो। सो गाइस ये हम लोग जा रहा दूसरे को। गाइस रनिंग करके दूसरा राउंड कंप्लीट हो चुका है, अभी रहते हैं 3 राउंड, तो टोटली 5 राउंड लगाएंगे। अभी एक जो चलना है वो पैदल चलेंगे, तो ऐसे ही साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई जी, ठीक हो? उम्र कितनी है आपकी? 65 साल। गाइस देखिए 65 साल उम्र है और सुबह सुबह डेली वॉक पर आते हैं, ऐसे ही बहुत ज़्यादा फिट है अंकल जी, अल्लाह पाक इनका सलामत रखे। कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, कोई दुआ देना चाहें कोई? अल्लाह। देखो गाइस आपने पार्क में मिल गए थे बाबा जी, तो 65 साल उनकी उम्र है और पुशअप्स लगाते देखा मैंने, पुशअप्स लगाते हुए देखा, सिटअप्स लगाते हुए देखा, रनिंग करते हुए देखा। आपकी अकल हैरान रह जाएगी कि बाबा जी इतने ज़्यादा फिट हैं और आजकल के नौजवान जो है अनफिट है, थोड़ा सा रनिंग करते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो स्टैमिना बहुत। बोलो तीसरा राउंड पूरा होने वाला तो हम हार गया? नहीं हार रहा जी, नहीं हार रहा। तो गाइस हमारा तीसरा राउंड मैं आपको बता रहा भूल गया कि तीसरा राउंड हमारा कम्प्लीट होने वाला है, बाकी 2 राउंड रह चुके हैं, अभी मिनट में एक ही कुछ ही मिनटों में पूरे कर लेंगे।
तो उसके बाद हमारे स्ट्रेचिंग होने वाली है, स्ट्रेचिंग करेंगे, पुशअप्स लगाएंगे, चिनअप्स लगाएंगे। तो गाइस 5 राउंड्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 3 भाग के और 2 चलकर। अब हम करने वाले स्ट्रेचिंग। नहीं जी मैं नहीं हारा, हमजा हार गया, हार गया। इसने 4 लगाए, मैंने पूरे 5 लगाए हैं, इनके अलग है, मैं काफ़ी दिनों के बाद आया था और ये पूरे पिछले हफ्ते से आ रहा है गाइस। तो गाइस हम अब करने वाले स्ट्रेचिंग, अभी आपको दिखाते हैं स्ट्रेचिंग कैसे करते हैं। पुशअप्स होंगे, चिनअप्स होंगे, सिटअप्स होंगे और बहुत सारी और भी एक्सरसाइज होगी। तो मुझे टोटली एक्सरसाइजेस के नाम तो नहीं पता, लेकिन जितने पता है मैं आपको करके दिखाऊंगा और जितने एंगल्स वगैरह पता है उसी एंगल्स में बता दूंगा। तो अभी आए देखें। जैसे आपने पिछले शॉर्ट देखे, मैंने ये मेरी टोटली एक्सरसाइज थी, अब मैं आपको 1 by 1 करके दिखाऊंगा कि कैसे मैं एक्सरसाइज करता हूँ। मेरे साथ आइए, कासिम आगे आ जाओ। तो ये देखे सो गाइस, हमला इससे हमारा बॉडी बैलेंस होगा। गाइस अब मैं लगाने वाला हूँ पुशअप, आपने काउंट करने के कितने पुशअप लगाता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गाइस अब मैं लगाने वाला पुशअप ये वाले सीट के ऊपर, जो बॉडी बैलेंस बीच में बॉडी होती है और इधर उधर टांगे और इधर हाथ टांगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गाइस अब मैं लगाने वाला हूँ एक्सरसाइज पेट की, जिनकी बेली बहुत ज़्यादा बाहर होती है उनके लिए एक्सरसाइज है। देखे कैसे लगाता हूँ, हमजा बस पेट की एक्सरसाइज लगाते हो गाइस, बहुत दर्द होता है, आप मेरे दर्द को फील नहीं कर सकते। बस करो आज हमजा की टाटा है, फूस हो जाएगी। ये देखे लंगूर की तरह लंगा वो। तो ऐसे होती है मेहनत, ऐसे होती है एक्सरसाइज। तो अगर आप भी इतनी मेहनत करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, बाकी ऐसे सपोर्ट करते रहे, बहुत मेहनत करनी, इंशाल्लाह बहुत आगे जाना है आपकी सपोर्ट से। सो गाइज एक्सरसाइज करने के बाद मेरा काफ़ी जिसम हो चुका था गर्म, मैंने जैकेट उतार दी क्योंकि मुझे गर्मी लग रही थी। अभी मैं बॉडी बैलेंस करने वाला हूँ हवा में, तो देखिएगा कैसे मैं बॉडी बैलेंस करता हूँ। ये गिरा हमजा, ये गिरा, ये गिरा, ये गिरा, ये गिरा। तो गाइस ये देखो हमजा थक गया, हमजा थक गया। गो, ये देखें हमजा बिल्कुल थके हुए, हारे हुए, लेकिन वो हार नहीं मान रहे। मैं थका नहीं हूँ, हार गया, मैं थका नहीं हूं बेटा, थक गया हमजा, थक गया। गाइस तो मैं वाकई अब थक चुका हूं, अब तकरीबन व्लॉग एंडिंग पे, हमारा बहुत एक्सरसाइज कर लिया है तो तकरीबन हम व्लॉग एंड करने वाले। आई होप कि आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। मोबाइल को टेढ़ा ना कितना खर्चा पल। तो गाइज ये था हमारा आज का व्लॉग और आपने देखी कि हम कैसे एक्सरसाइज करते हैं, कैसे सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक पर आते हैं। कासिम ने थोड़ी एक्सरसाइज कम इसलिए की क्योंकि इसका पैंडस का ऑपरेशन हुआ है। तो आज का व्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करेंगे और अब हम जाने वाले अपने घर नाश्ता करने, अभी घर जाएंगे नाश्ता करेंगे और बस फिर यही। तो हमारा व्लॉग अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। मैं काफ़ी थक चुका हूँ गाइस, तो कासिम मुझे बुला रहा है, तो फिर नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करें और लाइक शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।